साहब, अभी जो प्रभाग तीन प्रभाग का जो महानगर पालिका में शासन राज्य शासन ने निर्णय लिया है, इसका विरोध किया जा रहा है कुछ पक्षों में, और इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या है? मंत्रिमंडल ने प्रभाग तीन सदस्यों का प्रभाग का तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है, प्रदेश कांग्रेस ने, कि वो दो का होना चाहिए, इस पर चर्चा भी होगी। और अभी जो महानगर पालिका के इलेक्शन और वो जो होने वाले हैं सर, ये 100 वार्ड पे हो गए या ऐसा महाविकास आघाड़ी हो? जरूरी नहीं है, हर जिले के लोगों पे ये फैसला सौंप दिया है। जिले के लोग कहते हैं कि अगर अलग लड़ना है तो लड़े, जिले के लोग कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर आघाड़ी करना चाहते तो ये फैसला अंतिम जो होगा जिले के लोग तय करेंगे। सर, मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पर पूरा राजकारण तपा हुआ है महाराष्ट्र का, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर बात नहीं होती है सर? मुस्लिम आरक्षण ही नहीं, सभी सामाजिक आरक्षणों का मुद्दा सरकार के सामने है। मुस्लिम आरक्षण भी उतना ही अहम है, महत्वपूर्ण है, और अभी दोनों का ही मामला, ओबीसी और मराठा आरक्षण का मामला भी अभी कानूनी तौर पर बहुत अड़चन में आया हुआ है। कोई उसमें कोई बैकवर्ड कमीशन के जरिए सब चीज़ें करना है, इंटरनेशनल डेटा उसमें उपलब्ध करके देना है। ऐसे सूरत में जब तक ये और मुस्लिम दोनों को ही समान न्याय देना पड़ेगा, और देना कांग्रेस की भूमिका है, मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। सर, ये कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो खिसकता जा रहा है इमाम की ओर, तो आगे माइनॉरिटीज को आकर्षित करने के लिए कुछ प्लान है कांग्रेस का? वोट बैंक जहाँ है वही है, कोई खिसकता नहीं है। लोगों की जो मुश्किलात है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस हमेशा प्राथमिकता देगी।